100 करोड़ लोगों तक पहुंच गया हेडलाइंस इंडिया। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम बोलते हैं बेबाक बेखौफ। झूठा मक्कार चीन फिर पकड़ा गया। सबसे ताजी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे हद ही हो गई। वहीं सबके बीच अमेरिका ने कह दिया कि चीन को रोकना है तो भारत की ताकत काम करेगी। और जब ये सब कुछ हुआ तो पाकिस्तान भी बीच में कूद पड़ा है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। एक और चीन लद्दाख की सीमा पर किसी तनाव की बात से इनकार कर रहा है और दावा कर रहा है कि स्थिति सामान्य है, तो दूसरी ओर अपनी सीमा पर सेना की मौजूदगी और सक्रियता दोनों बढ़ाता जा रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि गोगरा इलाके में चीन ने अपनी सेना बढ़ा दी है और वो ऊपर की ओर भी बढ़ने लगी है। वहीं भारत भी पूरी तरह से तैयार है और भारतीय सुरक्षा बल चीन के ठीक सामने मुस्तैदी से तैनात है। लद्दाख में भारत के कराए निर्माण कार्यों से चीन बौखला रहा है और सेना की इक्विटी को बढ़ा रहा है। आमने सामने खड़ी है सेनाएं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटर सेफ्रा ने ताजा सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। इनके मुताबिक चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग सो और गोयरा इलाके के ठीक सामने नई पोजीशन ले रखी है। इसे देखते हुए भारत ने यहां अपनी मौजूदगी स्थिति के करीब ही और ज्यादा सुरक्षा बल बढ़ा दिए हैं। वहीं पेंगोंग सो में बेस एरिया से चीनी यूनिट ऊपर की ओर चढ़ रही है। संभावना है कि यहां टेंट भी लगाए गए हैं। भारत के गोगरा पोस्ट के पास चीन की पीएलए ने पोजीशन भी ले लिया है। यहां बड़े स्तर पर एक्टिविटी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी सांसद ने जो कहा, उसने चीन की नींद को उड़ा दिया है। टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद जॉन कॉर्निन ने एक संपन्न, शक्तिशाली और लोकतांत्रिक भारत चीन की आधिपत्य जमाने की महत्वाकांक्षाओं को नाकाम करने में मददगार होगा। अमेरिका ये बात कह रहा है। भारत से 11 किलोमीटर दूर बड़ी यूनिट इससे पहले जारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां दावा किया गया था कि पीएलए भारत के गोगरा बेस से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर है। उसके मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी यूनिट है, जिसमें कई व्हीकल ट्रक्स साफ तौर पर दिख रहे हैं। चीन की सेना भारत की सीमा में दाखिल नहीं हुई है, जैसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। भारत ने समय रहते अपनी सीमा पर सेना को तैनात कर दिया है, जिसके बाद पीएलए का प्लान फेल हो गया। दरअसल लद्दाख में पिछले 2-3 सालों में भारत ने डीबीओ इलाके में जो सड़क बनाई है, उसकी वजह से चीन बेचैन हो रहा है। चीन ने एलएसी के पास करीब 5,000 सैनिकों की तैनाती की है। भारत ने भी वहां पर भारी मात्रा में सैन्य बल तैनात कर दिया है। अब पाकिस्तान की जनता क्या बोल रही है, जरा वो भी सुनिए। इकराम खान ने लिखा, भारत के पास इस वक्त ताकत है, ये सभी को मानना होगा। खून खराबे से अच्छा है दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। दानिश यूसुफ भट्ट ने लिखा, या अल्लाह, कोरोना के कहर में क्यों किसी दूसरे मुल्क के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो, इंसान से नहीं तो अल्लाह से तो डरो। आयशा खान ने लिखा है, भारत को चीन की हर एक चाल का पता लग जाता है, कहीं ऐसा ना हो उन दोनों के बीच में हम मारे जाएं। और कहा जा सकता है कि अब चीन पूरी तरीके से डरता भी नजर आ रहा है। हालांकि गलत गतिविधियां तो कर ही रहा है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है, जवाब देंगे तो तकड़ा देंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार।